समर्थन तो उधर से मिल रहा है। डॉक्टर नहीं किया हमको भाषण, हमको अखिलेश यादव चाहिए, समाज को बचाना है, संविधान बचाना है, देश बचाना है, नौकरी लाना है। ये मोदी जी के जमाने में न नौकरी है, न रोजगार है, न धंधा है, पा रहे हैं पैदल ही आ रहे हैं क्या भाजी? नहीं, अपने साधन से आए हैं। कहाँ साधन रुके हैं? और यहाँ से लगभग हम लोग 1 किलोमीटर से पहले तो समझ चाहिए कि लगभग हम लोग 1 लाख फोटो से आगे रहे चाहे मेन सड़कें हो, इतनी टूट चुकी हैं कि मैंने रोडों पर चलना मुश्किल। सांसद हैं रविंदर जी, लेकिन वहाँ कोई भी सड़कें उन्होंने आज तक बनवाया नहीं, वो भी चल रहे हैं उन रोडों पर, लेकिन हिचकोले खा रहे हैं का उसी पर से पैदल चलती है। वो जजीला पे काम मिली तो कुछ नहीं, मैं तो नेताजी है तो लक्ष्मण जी उम्मीद कुछ बाटे का बटले बताबे तो का उम्मीद बा सरकार बनती वही के ना बन जाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया, इसमें बनिया के जो है बेल्थाउट में मौजूद हूं और आप समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव का जो 7वें चरण अंतिम चरण जो चल रहा है और आज बेल्थाउट विधानसभा में अखिलेश यादव की सभा है। यहां पर जो है नौजवान और युवक हैं जा रहे हैं उनकी सभा में, आइए समझते हैं क्या है उनका इरादा और किस तरह की जो है दीवानगी उनके अंदर अखिलेश यादव के प्रति देखी जाती है। नाम बताइए इसके अपना। खुर्शीद आलम फरसाचाल जिला बलिया। कहाँ की तैयारी है आप? लवा लश्कर के साथ जा रहे हैं? लवा लश्कर साथ में जा रहा हूँ कि हमारे अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, उनके मोहब्बत में हम जा रहे हैं और उनको वोट देना है, जिलवाना है, हाँ काम करना है, आगे बढ़ाना है। तो राशन वासन तो उधर से मिल रहा है? राशन पाशन नहीं किया हमको भाषण, हमको अखिलेश यादव चाहिए, समाज को बताना है, हाँ आगे को दुनिया बढ़ाना है जी। अखिलेश यादव हमको चाहिए, जिंदाबाद जिंदाबाद। और झंडा लेके जा रहे हो बच्चे? हाँ, अखिलेश यादव को जिताना है। नाम बताइए। अर्जुन यादव। हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। इंडिया गठबंधन का पूरे प्रदेश में लहर है और देश में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और इंडिया गठबंधन की पूर्व बहुमत की सरकार बनेगी देश में। इतना जो है धूप है चचा, और धूप में आप पैदल जो जा रहे हैं, लोग जो घरों में छाया में रह रहे हैं, क्यों? संविधान बचाना है, देश बचाना है, नौकरी लाना है। ये मोदी जी के जमाने में न नौकरी है, न रोजगार है, न धंधा है, न कुछ है। ये हर मुद्दों पर फेल है। मेरा नाम प्रभात मौर्य है, बांसडी विधानसभा से हैं। बांसडी से आप आ रहे हैं? पैदल ही आ रहे हैं क्या बांसडी से? नहीं, अपने साधन से आए हैं। कहाँ साधन रुके हैं? और यहाँ से लगभग हम लोग 1 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे हैं। 1 किलोमीटर पहले हम लोग गाड़ी रुके। भीड़ है, काफी भीड़ है लोगों की, अखिलेश जी के प्रति, इंडिया गठबंधन के प्रति लोगों की दीवानगी है। नई सरकार आ रही है, देश में परिवर्तन हो रहा है और नए समाज का निर्माण होने जा रहा है। बांसडी में तो केतकी सिंह है, वो कह रही है कि हम जो तीसरी बार मोदी गवर्नमेंट लाएंगे और जो मोदी जी का विजन है, जो 400 के पार जो इस पर सीटें आने वाली है, क्या स्थिति है बांसडी में आपके प्रत्याशी की? बांसडी में तो समझ जाइए कि लगभग हम लोग 1 लाख फोटो से आगे रहेंगे। रामाशंकर विद्यार्थी को आज जानते हैं लोग? रामाशंकर राजभर विद्यार्थी आज से नहीं, यहाँ के पूर्व सांसद रह चुके हैं और ये काफी काम भी किए हैं पहले के, और सरकार तो उनकी बनेगी। 1 लाख वोटों से हम लोग वहाँ लीड करेंगे केवल 62 में। स्थानीय मुद्दा वहाँ क्या क्या दिख रहा है? स्थानीय मुद्दा समझिए कि देहात की हो चाहे मेन सड़कें हो, इतनी टूट चुकी हैं कि मैंने रोडों पर चलना मुश्किल हो गया है। 10 साल से सांसद हैं रविंदर जी, लेकिन वहाँ कोई भी सड़कें उन्होंने आज तक बनवाया नहीं, वो भी चल रहे हैं उन रोडों पर लेकिन हिचकोले खा करके चल रहे हैं। पूरे क्षेत्र में कहीं 10 साल में एक बार भी दिखाई नहीं दिया है, इससे लोगों में बहुत आक्रोश है और रामाशंकर विद्यार्थी के प्रति लोगों की संवेदनाएं हैं और लोग उनके पक्ष में मतदान कर रहे हैं। आप कहाँ से? मैं भी बांसडी से हूँ, दीपक वर्मा। हाँ, किस मुद्दे पे इस बार आप लोग वोट करेंगे? इस बार रोजगार के मुद्दे पर और बेरोजगारी के मुद्दे पर हम लोग करेंगे। बताइए। विकी कुमार शर्मा पड़ेगा, सातवार से है, पांडी विधानसभा पड़ेगा, इस टाइम हम लोगों का नौकरी चाहिए युवक को। नौकरी मेन मुद्दा है। अच्छा, जो है आप पुराने हैं, नाम बताइए अपना। कहाँ घर पड़ेगा? अच्छा, क्या दिख रहा है आपको? अखिलेश जी का रैली में जाते हैं। अखिलेश जी की रैली में जी, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं इस रोड पे आज अखिलेश यादव के जो है जनसभा यहाँ जीएमएमएनटी कॉलेज के मैदान में होने वाली है। छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं। क्या कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो, नाम बताओ। सहज अली। कहाँ जा रहे हो, घर कहाँ पड़ेगा? घर सैया। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? रैली में। क्या मिलेगा वहाँ पे? बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा।
पसंद करते हो क्या उनको? हाँ तब क्या, ठीक है तो हाँ देख रहे हैं, यह एक इंटरियल रोड है जो कि सोनाडी को जोड़ता है, सोनाडी जो है इसी रोड से लोग जाते हैं, माँ भगवती परमेश्वरी का जो है मंदिर है। तो इस रोड पे आप देख सकते हैं जो जो है समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आगमन है, लोगों का जो हुजूम। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कलमपुर। कहाँ जा रहे हैं? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कार्यक्रम। क्या लग रहा है इस बार आप लोगों को? एकदम बदलाव होगा, इंडिया की सरकार बनेगी। सलेमपुर से तो जो वर्तमान सांसद बीजेपी के आते हैं और पिछले बार के चुनाव में भी वहाँ से वो बम्पर वोटों से जीत दर्ज की थी, इस बार क्या लग रहा है किस तरह की जो है वहाँ पे उनके कार्यशैली, उनके कार्यों से जो किस तरह से जनता खुश है? लोग संतुष्ट नहीं है। वर्तमान सांसद को हर गाँव से खदेड़ा हो रहा है, 10 साल के सांसद को, और 5 साल सांसद हर गाँव में माला मिल रहा है, अपार समर्थन मिल रहा है। अपना क्षेत्र है, किस तरह की विकास की? विकास जीरो विकास है। सड़कों की बात कर लोग कर रहे हैं, सड़कें कैसी हैं? उधर से टूटा हुआ है तो गड्ढा। नाम बताइए अपना? विजय यादव। जुआ बता रहे हैं कि उनको रोजगार चाहिए और महंगाई की बात कर रहे हैं, क्या इस बार लग रहा है कि यह मुद्दा जो कारगर होगा और आपके जो सांसद है रामा शंकर विद्यार्थी यहाँ चुनाव जीतेंगे? जीतेंगे, जीत रहे हैं 100%। रंजन यादव अभी कलमपुर से? जी जी जी, सब कलमपुर से। ठीक है। नीतीश कुमार यादव कलमपुर जी। क्या स्थिति है, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे क्या है जो कि विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। इस बार जो है पूरे लगन से आप लोग लग गए हैं? पूरे लगन से लगे हुए हैं हम लोग जी। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। ठीक है, ठीक है बहुत। तो यहाँ पे देख रहे थे जो लोग जा रहे हैं, पैदल ही जा रहे हैं, करीब 1 किलोमीटर पहले अपना जो भी साधन है वो छोड़ करके जा रहे हैं और अखिलेश यादव की रैली में शामिल होने जा रहा है। तो अखिलेश यादव के प्रति वैसे भी जो है दीवान की देखी जाती है तो यह तो जो समाजवादी पार्टी के एक तरीके से कार्यकर्ता थे। देखिए अभी लोगों का आने जाने का सिलसिला जो है यहाँ थम नहीं रहा है। आप एक नर्सिंग होम, क्या कहाँ जा रहे हैं? क्या बताइए? फिल्डियम जा रही है अखिलेश की। क्या हो, कहाँ से आई? तुर्ती पर से। तुर्ती पर से तो पैदल आ रहे हैं कहाँ? तुर्ती पर से पैदल चलती हैं। हाँ, पंद्रह दिन तुर्ती पर से। कहाँ वो जिले पे कहाँ मिली तो? अरे कुछ नहीं, मैं तो नेताजी है तो अध्यक्ष मोदी। उम्मीद कुछ बाटे कहाँ? बटले बताबे तो कहाँ उम्मीद बा? सरकार बनती वहीं के ना बन जाई बात हो रही हो एकदम चैलेंज बा हमारे। राशन वसन पे ना जी हैं? चलो राशन पे किया जाता, राशन को बा के हम उनके बिकते चाहेंगे, विकास चाहेंगे। विकास ने कबल का है? कहाँ विकास? मोदी जी एगो जी आई लगा बहुत विकास किए हैं। अरे तो कहले बनो जहाँ, कहले बनो जहाँ, कहले बनो। अच्छा मैंने कहीं कहले बनाई यहाँ नहीं के भाई। हाँ तो आप देख रहे हैं अखिलेश यादव की जनसभा में जाने वालों लोगों का जो है यहाँ से ताता लगा हुआ है। इस इंटरियल रोड से भी लोग जा रहे हैं, मेन रोड पर तो जैसे कि बता रहे हैं लोग कि पैर रखने की जगह नहीं है। तो अखिलेश यादव की आज जनसभा होने वाली है बेल्थराउड विधानसभा के जीएमएम इंटर कॉलेज के मैदान में, जहां वो जो प्रोटोकॉल जो जारी किया गया उसके अनुसार 12 बजे बनारस से चलेंगे, 12:45 पे उनका जो है आगमन होगा, 1:30 बजे यहां से निकलेंगे और फेफना में दूसरी बलिया के ही जो है फेफना में दूसरी जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। बात मीडिया के लिए वो किसी के साथ सबीर अहमद की रिपोर्ट बने रहे।